क्वेश्चन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक वेदर 6^n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। ये कह रहा है कि 6^n अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो क्या इसका समापन 0 पर होगा। तो इसके लिए क्या किया है, इसका सोल्यूशन ऐसे निकालते हैं। इफ 6^n एंड्स विथ 0 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। इसका एंड 0 होगा बट ये आवश्यक है कि ये 5 से डिविजिबल हो, दैट इज इट मस्ट हैव ए प्राइम फैक्टर 5। इसका प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए। बट अगर हम 6^n का फैक्टर देखें तो 2^6 का फैक्टर हुआ 2×3^n। अब यहाँ लिख दिया 2^n 3^n, तो द वनली प्राइम फैक्टर ऑफ 6^n आर 2 और 3। इसका प्राइम फैक्टर केवल 2 और 3 है। 5 कैन नॉट बी ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6^n। तो बिकॉज बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक, हेंस 6^n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। इसका जो 6 का फैक्टर 2×3 हुआ, 2×3 के अलावा और कोई इसका प्राइम फैक्टर नहीं है। यदि 5 इसमें आता तब हम कह सकते थे कि इट विल एंड विथ 0। सो 6^n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी बहुत अच्छा है, इसे आप देख लें। इसमें दो पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों के करने का तरीका एक है, सेकंड पार्ट में बता रहा हूँ। लिखा 7×6×5×4×3×2×1+5 इज ए कंपोजिट नंबर आपको दिखाना है। आपने इस पूरे में से 5 कॉमन ले लिया तो आया 5 यहाँ से निकल गया, यहाँ से 5 निकल गया। तो यहाँ से 5 निकला तो 7×6×4×3×2×1+1, और जब इसको आपने मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया तो मिला 1009×5। तो यहाँ 5 एक फैक्टर इसका मिल रहा है। द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 5, तो द गिवन नंबर हैज 5 एज ए फैक्टर अदर देन 1, ये दैट नहीं है देन, अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, हेंस द गिवन नंबर इज कंपोजिट। चूंकि इस नंबर का जो फैक्टर है 1 और इस नंबर के अलावा एक और फैक्टर मिल गया 5, इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो गया। क्योंकि डिफिनेशन बताया गया कि अगर किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो नंबर हमारा कंपोजिट नंबर होता है, इसलिए कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 वर्ड प्रॉब्लम जैसे है, यहाँ भी आप देखेंगे तो उसका सोल्यूशन मैं हिंट दे देता हूँ। सोनिया एंड रवि विल मीट अगेंस्ट एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एलसीएम ऑफ 18 और 12 मिनट्स, यानी दोनों कब मिलेंगे दोबारा। इसके लिए 18 और 12 मिनट्स जो दिया गया उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे और वो एलसीएम आपका 36 आएगा। तो यही इसका यानी 36 मिनट्स के बाद दोनों मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 1.2 के, उन्हें आप सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल 2 है उसको, एग्जाम्पल 1 को हल कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 1-3 एक्सरसाइज 1.1 का, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हमने इसमें करवा दिया है। थैंक यू।